नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शामली जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ चुकी है, जहां पर दो नए कोरोना संक्रमित केस मिलने से हड़कंप मचा है। दोनों युवक महाराष्ट्र से मजदूरी कर शामली लौटे थे। दोनों को पहले से ही क्वारंटाइन किया गया था। रिपोर्ट आने पर दोनों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। केराना थाना क्षेत्र के गांव के दोनों युवक रहने वाले हैं। जनपद में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या इस समय 10 हो चुकी है। जिला अधिकारी शामली जसजीत कौर ने इस मामले की जानकारी दी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसको लेकर सोमवार को ईद के त्योहार पर घरों में रहकर नमाज अदा करने की प्रशासन और शासन ने जनता से अपील की थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली कोतवाली के काजाना मोहल्ले में मस्जिद में कुछ लोगों के इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने की सूचना पर आला अधिकारी ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की तो मस्जिद में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग मौजूद मिले, जिस पर अधिकारियों ने सभी की वीडियोग्राफी कराकर 8 नामजद को और 20 से 25 अज्ञात पर लॉकडाउन उल्लंघन और आपदा प्रबंधन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनपद में इस समय लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। फिलहाल जनपद में 21 कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केस हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार जनता से यही अपील कर रहा है कि सभी लोग अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा करें। 8 बजे खतौली थाना क्षेत्र में काजियान मोहल्ले से सूचना मिली कि कुछ लोग मस्जिद पर एकत्र होकर नमाज पढ़ना चाहते हैं। उसमें तुरंत कार्रवाई में मैं SDM साहब और इंस्पेक्टर साहब पहुंचे, पुलिस फोर्स भी पहुंचे, उनको नमाज अदा करने से रोका गया और वहां से जितने लोगों को बाहर निकाल गए उनको चिन्हित करके वीडियोग्राफी कराई गई और उसके आधार पर एक मुकदमा कायम किया गया लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए और आपदा प्रबंधन में। सभी लोगों ने यह अपील की थी कि आज सभी लोग घर पर ईद की नमाज अदा करेंगे और घर पर रहकर ही एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, लेकिन उन्होंने ये कृत्य किया इसलिए आपराधिक श्रेणी में आता है, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की। सर, लगभग कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया? मुकदमा 8 लोगों को उसमें ज्ञात जिनका पता लगा है वीडियोग्राफी के आधार पर और 20-25 लोग अज्ञात है जिनका चिन्हित करके अग्रिम कर। सर, लगातार गश्त की जा रही है, लगातार अपील की जा रही है, उसके बाद भी ये लोग मस्जिद तक पहुँचने में कामयाब रहे, इसके बारे में ये जानकारी मिली है कि कहीं से साइड से ये लोग आ गए थे और जो इसके मुलतवी है उनको भी इसकी जानकारी नहीं थी और इसके बाद ये भी लगा कि शायद कहीं से छोटी छोटी जगह पर किसी एक घर के ही 2-3 घरों के ये लोग हैं, 27-28 लोग जो एक परिवार के हैं और उन्होंने शायद यहाँ पर आने की कोशिश की। कोई वहाँ पर मौलवी भी नहीं था जो कि उनको पढ़ा पाता। तो सर, किन धाराओं में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है? धारा जो लॉकडाउन का उल्लंघन है उसके बारे में और आपदा प्रबंधन में, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रमजान मुबारक के 30 रोजों के बाद आज जनपद सहारनपुर में भी लोगों ने घरों में ईद की नमाज लॉकडाउन का पालन करते हुए अदा की। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच और लॉकडाउन के चलते रमजान मुबारक का महीना आया था, जिसके चलते लोगों ने पूरे महीने घरों पर रहकर ही अल्लाह की इबादत की और नमाज पढ़ी। इसी के चलते आज ईद की नमाज भी लोगों ने घरों पर रहकर अदा की और अल्लाह से दुआ की कि इस महामारी से हम सब की और पूरे हिंदुस्तान की हिफाजत हो और जल्द से जल्द हम इस महामारी का खात्मा कर सकें। आज हमने जो है घर में थोड़े थोड़े टुकड़ों में जो है नमाज अदा की है और ख़ास तौर से हमने जो नमाज अदा कराई है वो सुलेमान फारूकी जो प्रधान हैं मंडी समिति के, इनके घर पर नमाज अदा की गई और उसके बाद दुआ हुई और इस दुआ में हमने ख़ास तौर से जो है कोरोना बीमारी जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग और ख़ास तौर से हमारा मुल्क परेशान है, मुल्क के लोग परेशान हैं, मजदूर तबका परेशान है, हमने दुआ कराई कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म फरमा दे और पूरे मुल्क में और हमारे हुक्काम को हर एक को अमन अमान कायम फरमा दे और अमन अमान का माहौल पैदा फरमा दे। देखिएगा, जैसा कि तमाम ही लोगों को मालूम है कि इस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर कोरोना की बीमारी जो है आम हो चुकी है और हुकूमत हिंद के आदेश थे, इसी तरीके से हमारे सहारनपुर ज़िले के अंदर हमारे प्रशासन के जो जिलाधिकारी हैं SSP साहब हैं उन लोगों ने आदेश किया था कि लोग जो है अपने घरों के अंदर रहते हुए ईद की नमाज़ अदा करें।
जिन लोगों को मस्जिद में जाने की परमिशन है उन लोगों ने मस्जिदों के अंदर जाकर नमाज अदा की और बाकी तमाम हजरात ने अपने घरों के अंदर सादगी के साथ में, सुकून के साथ में नमाज अदा की है। और जो है लॉकडाउन का पूरा पूरा भरपूर पालन किया गया है, इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा लिहाज रखा गया है, तो ईद को सादगी के साथ में मनाया गया है जी। और ईद की नमाज़ के बाद में इस चीज़ का ख़ास अहतमाम किया गया है कि ईद की नमाज़ के बाद में जो दुआ होती है तो दुआ में कोरोना बीमारी को हमारे मुल्क हिंदुस्तान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी का खात्मा फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम ही देशवासियों की हिफाजत फरमाए, इसके लिए ईद की नमाज़ के बाद में ख़ास दुआएँ की गई। सोशल आज हमने घर पर ईद की नमाज़ परिवार ने अपने घर पर अदा की है, सोशल डिस्टेंस बना के दूरी बनाकर नमाज अदा की है, बड़े सुकून के साथ शांति के साथ। थोड़े थोड़े लोगों ने, पूरा परिवार ने भी एक जगह नमाज नहीं पढ़ी, थोड़े लोगों ने यहाँ पढ़ी, थोड़ों ने दूसरे घर में, थोड़े थोड़े 10-10, 12-12, 10-10, 8-8 आदमी ने नमाज अदा की है। सहारनपुर की गंगोह कोतवाली के गांव बैगी रुस्तमपुर में ट्रैक्टर की छतरी को लेकर परिवार के दो चचेरे भाइयों में गोलियों के साथ लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़े पर उतारू लोगों को लाठियां फटकार कर दौड़ाया, जहां चार महिलाओं सहित 11 लोग घायल हो गए, गंगोह CSC में भर्ती कराया गया। गोली लगने से घायल हुआ 17 वर्षीय जिकरिया को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। कोतवाली के गांव बैगी रुस्तमपुर में सोमवार को साबिर अपने ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था कि उसके चचेरे भाई आबिद ने ट्रैक्टर ट्रॉली की छतरी मांगी तो साबिर ने अपने बम्पर की मांग की, जिस पर हुई बहस मारपीट में तब्दील हो गई। देखते ही देखते दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। 50 वर्षीय बानो को CSC में भर्ती कराया गया। झगड़े में एक पक्ष के 25 वर्षीय गुलशाना, मुर्शिदा, नवाब, बाबू, साबिर, जाबिर व दूसरे पक्ष के जीशान व लाखा घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी भगवत सिंह का कहना है कि चार महिलाओं सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खानदान के दो परिवार के बीच में किसी बात को लेकर सुबह विवाद हुआ था, जिसको चलते गोली चली है। इसमें बेगी रुस्तम गांव में एक आदमी के पैर में गोली लगी है, जो आउट ऑफ डेंजर है, तो मौके पर पुलिस पहुंच गया। दोनों तरफ से बातचीत चल रही है और दोनों तरफ से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कारण रहा था सर, किस वजह से ये सर? अब वो जांच की उसे सुबह सुबह इस तरह से किस बात को लेके ईद के दिन ये दुर्घटना हुई है, किस बात को लेके हुई है, दोनों एक ही खानदान और अलग अलग परिवार के हैं, इसमें जाँच चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना विधानसभा से बीजेपी विधायक उमेश मलिक के पुत्र शुभम मलिक का विदेश में बैठे एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शुभम मलिक को हिंदुस्तान पसंद नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि विधायक के पुत्र शुभम अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पर भारत विरोध पोस्ट भेजने के साथ वीडियो डालकर कह रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भारत विरोधी भाजपा विधायक के पुत्र द्वारा की गई पोस्ट वायरल हो गई है। आपको बताते चले कि भाजपा विधायक उमेश मलिक फुगाना थाना क्षेत्र के डूंगर गाँव के निवासी है और उनका लड़का 6 साल पूर्व गाँव में ही रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन उसके बाद शुभम पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया, जहां रविवार को भाजपा विधायक के पुत्र ने भारत का मजाक बनाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो को लेकर विधायक उमेश मलिक ने अपने पुत्र की इंस्टाग्राम आईडी हैक होने की बात करते हुए सिविल लाइन थाना मुजफ्फरनगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पोस्ट में शुभम ने अमेरिका का महिमा मंडन किया है और भारत का मजाक उड़ाया है। वहीं उन्होंने कहा कि 8 सालों में US व भारत ने क्या दिया है। शुभम ने कहा कि भारत ने अज्ञानता, हताशा, निराशा, दुख दिया है और US में सम्मान, शिक्षा, प्यार और शोहरत, खुशी दी है। विधायक के पुत्र की पोस्ट वायरल होने के बाद उमेश मलिक ने सफाई देते हुए कहा कि आईडी हैक की गई है, सिविल लाइन थाना पुलिस को लिखित में तहरीर दी गई है और जांच कर आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। किसी ने बेटे के अकाउंट को हैक करके निकाल दिया, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कम नॉलेज है और उसके लिए मैंने कि भाई इसके जिसने ये सब किया है उसकी जांच के लिए मैंने सिविल लाइन थाने में तहरीर भिजवा दी है, अब तैयार हो गई है, उसके ऊपर कार्रवाई। विधायक जी किस तरीके की वो पोस्ट थी, क्या था पोस्ट? पोस्ट में कुछ, एक तो पोस्ट में 8 साल का कंपेयर दिखाया है उसके साथ, बल्कि सीधा सीधा इसी से इंडिकेशन आता होता है कि वो 5 साल से अमेरिका में है। 12th उसने सार्डन कॉलेज से किया और उसके बाद लगभग 4.5 साल उसको अमेरिका जाए हुए हैं,
और जिसने भी ये हैक किया है, जिसने भी इसमें एडिशन किया है, उसको पता ही नहीं होगा। उसमें 8 साल लिख दिया, बल्कि वो 5 साल से अमेरिका में है और ऑलरेडी उसने अपना इंडिया आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। जैसे ही वहाँ पर थोड़ा सा कोरोना का मामला बढ़ा था और वो लगातार वो मोदी जी का, योगी जी का और अपने देश का बहुत बड़ा फैन है और जितनी भी उसकी वो अपनी तरफ से डालता है तो वो देश की प्रशंसा ही करता है। और कहीं ना कहीं मैं पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता हूँ और निश्चित रूप से हमारे परिवार के भारतीय संस्कार उसके अंदर है और जो उसमें डाल रखा है उसमें भी उसने स्पष्ट कहा है। किसी लड़के के पूछने से, लड़के ने पूछा कि मैंने वो वीडियो देखी है, लड़के ने पूछा उसके मित्र ने कि भैया आप अमेरिका रहते हो, पीते क्यों नहीं हो, तो उसने कहा कि तुम भारत में रहते हो तो भारत में जियो और भारत को आगे बढ़ाओ और ज़रूरी नहीं है कि अपने देश की मैं संस्कृति छोड़ कर अमेरिका रहूँ, मैं अमेरिका पढ़ने आया हूँ। विधायक जी, आपके बेटे ने बशीर के नाम से अकाउंट बना रखा है, इस पर उस पर आपको क्या कहना है? मेरे बेटे ने कोई इस तरह का कोई अकाउंट नहीं बना रखा है, ये भी कोई मुझे बात है, किसी ने गलत बनाया होगा। तो आपने जैसे तहरीर दिया और फिर पता लगा तो कैसे कार्रवाई चाहिए आप उनके खिलाफ? नहीं, जो भी इसकी पहले सच्चाई निकले और जो ये अज्ञात लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उसको अकाउंट करके कुछ बता सकते हैं। जनपद शामली के जलालाबाद कस्बे में आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भाजपा विधायक पुत्र द्वारा देश का अपमान करने वाली वीडियो के विरोध में कस्बा निवासी दीपक बजरंगी ने कहा कि भाजपा विधायक पुत्र के खिलाफ सरकार को देशद्रोह जैसे मुकदमे की कार्रवाई करनी चाहिए। भारत विश्व में अपनी पहचान बना रहा है, वहीं भारत में पले बड़े भारत के मूल निवासी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र होकर देश का अपमान करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले मुख्य बात ये कहना चाहूँगा कि शुभम मलिक जो भाजपा विधायक उमेश मलिक का पुत्र है और जो पिछले 7 साल से अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहा है, इसमें सोचने वाली बात यह है कि आखिर उसके मस्तिष्क में इस तरह का बयान क्यों आया। उसका जन्म भारत में हुआ और आज वो अमेरिका में रहकर भारत को घृणित देश बता रहा है। वो कह रहा है कि मैं भारत में से अच्छा तो अमेरिका है। तो ऐसे में ये बात सोचनीय बात यह है कि आखिर उसके मस्तिष्क में ये विचार आया कहाँ से। आखिर शुभम मलिक किसको खुश करना चाह रहा है, वह किसके इशारे पर काम कर रहा है? क्या जो लोग भारत को तोड़ना चाह रहे हैं, जो लोग भारत से नफरत करते हैं, जो भारत को एक तरह से माने कि टुकड़े करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुभम मलिक उनके इशारों पर काम कर रहा हो? तो इस विषय पर मैं पार्टी से भी ये अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह की धारा लगाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस मामले की पूरी जांच भी कराएं कि आखिर शुभम मलिक किनको खुश करना चाह रहा है। तो इसमें भाजपा विधायक की क्या राय है, उसके बारे में उन्होंने क्या राय दी? देखिए, भाजपा विधायक से मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो एक देशभक्त होने के नाते और उमेश मलिक जी से भी निवेदन करूंगा कि वो पुत्र मोह को त्याग कर एक सच्चे देशभक्त होने का परिचय दे। आज पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि हाँ, यदि देशभक्तों की कोई पार्टी है, भारत माता से क्या यदि कोई प्रेम करता है, भारत से यदि कोई प्रेम करता है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र का ऐसा बयान आएगा तो ऐसे में तो भारत की छवि खराब होगी। और शुभम मलिक जहाँ अमेरिका में रह रहा है, वहाँ पर भी लाखों भारतीय डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, अन्य रूप में वहाँ पर डॉक्टर वहाँ पर और अन्य रूप में भारतीय वहाँ पर रह रहे हैं। तो क्या उनके मन में, उनके हृदय में ये पीड़ा नहीं होगी? वो किस मन से अमेरिका में रहेंगे कि अमेरिका में रहने वाला भारत का एक नागरिक भारत के बारे में ऐसी बात कह रहा है, तो उनके मन में कितनी पीड़ा आएगी? जो लोग भारत के अमेरिका में रह रहे हैं, जिनके हृदय में भारत माँ बसती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म जाति समुदाय का हो, ताकि दोबारा से किसी की हिम्मत ना पड़े भारत के खिलाफ और भारत माँ के खिलाफ ऐसे घृणित शब्द बोलने की। मैं पार्टी से पुनः निवेदन करूंगा मीडियम के माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उसकी नागरिकता खत्म करें, देशद्रोह का मुकदमा करें। और जांच का विषय है कि आखिर किन के इशारे पर शुभम मलिक ने इस तरह की बात की है।
आज हर देशवासी के मन में, हर देशभक्त के मन में ये पीड़ा है, उसके शब्द ये तीर की भांति हर देशभक्त के सीने में चुभे हैं। और जो लोग भारत के विदेश में रहे हैं उनके मन में ज़्यादा पीड़ा हुई है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा कि भगवान श्री राम ने जब रामायण में कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गतपि ग्रहसी, शुभम मलिक को शर्म आनी चाहिए कि वो जिस धरती पर जन्म लिया, जिस धरती पर उसके माता पिता, उसका स्वयं का जन्म इस धरती पर हुआ, वो इस धरती के बारे में ऐसे शब्द बोल रहा है। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। शामली जनपद में यमुना में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक को यमुना में तलाश करने के बाद भी शव बरामद नहीं हो सका। दरअसल मामला कांधला थाना क्षेत्र के गांव इसुपुर टील का है, जहां पर एक युवक यमुना नदी में डूब गया है। पिछले 6 घंटे से युवक का शव यमुना में गहरे पानी में डूबा हुआ है। उसकी तलाश में परिजन और ग्रामीण लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन डूबे युवक का कोई पता नहीं लग पाया। डूबे युवक का नाम साहिल है। बताया जा रहा है कि साहिल ईद के दौरान अपने मामा के घर आया हुआ था, जहां से वह अपने 3 साथियों के साथ मिलकर यमुना में नहाने के लिए गया हुआ था, जहां पर चारों युवक नहाते समय गहरे पानी में डूब गए। इसके बाद चारों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। आसपास के काम कर रहे लोगों ने युवकों का शोर सुनकर मौके पर दौड़ लगा दी, जहां से 3 युवकों को यमुना से बाहर निकाल लिया गया, जबकि 1 युवक यमुना के गहरे पानी में समा गया। युवक को काफी तलाश करने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग सका। ये यहाँ पे एक लड़का डूब गया था जी, माँ से आई हम पुल पे था जी, प्रशासन लाए हमने, वहाँ पे लड़का डूब गया, चलो टोने के लिए जी। अच्छा अच्छा जी, क्या आप क्या कार्य कर रहे हैं आप यहाँ पे? गुत्ता मारा जी, हमको यहाँ मिला नहीं कुछ भी। अच्छा, कितना समय हो लिया आपको लड़के को ढूंढते हुए? समय जी हम यहाँ पे आ गए थे कोई 12:30 बजे। हाँ, फिर तो अब तक ढूंढ रहे हैं वो आपको? जी मिला नहीं, कुछ पता नहीं लग पाया? नहीं जी। कितने लोग डूबने की सूचना मिली थी आपको यहाँ पे? तो जी चार बोल रहे थे, 3 निकट गए, 1 डूब गया। अच्छा अच्छा जी, जैसा कि लापता हुआ जी, घर से वे 10 बजे से निकले थे वे ना घेर के लिए, पहला घेर में जाए, फिर यहाँ पे आगे सूचना मिलने पे वे डूब गए थे चर्रो, आस पड़ोस वे जो वे हैं पाली, उन्होंने चर्रो तीनों को बचाया, जो चौथा था वो डूब गया था। अच्छा, वो क्या लगता था? वो मेरा भांजा लगता था। कितने घंटे बीत गए उसमें? 6 घंटे बीत गए। अच्छा, जैसे 6 घंटे बीत चुके हैं जी, आपके भांजो को लापता हुए नदी में, प्रशासन ने क्या कार्रवाई? प्रशासन आए, पुलिस प्रशासन आए, जो आए थे यहाँ पे खड़े रहे, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ, जो आस पड़ोस के जो प्लेज वाले है जो यहाँ पे काम करते थे वे आन के यहाँ पे जमुना में बड़े, उन्होंने कार्रवाई की है, ना कोई गोताखोर आया, ना कोई कुछ नहीं आया यहाँ पे। तो क्या क्या उम्मीद करते हैं आप, किस तरह की मदद चाहिए आप? मदद यही चाहिए जी, प्रशासन आए यहाँ पे और कार्रवाई करे और उसकी बोर्ड मिल जाए। क्या नाम था लड़के का? आजम। कितनी एज थी उसकी? उसकी 14 साल। ईद की नमाज को लेकर बहसुमात पुलिस सुबह से ही अलर्ट दिखाई दी। नगर में सुबह से शाम तक चेकिंग अभियान चलाए गए। नगर व क्षेत्र की सभी मस्जिदों पर कड़ी निगाहें बनाई रखी। इस दौरान पुलिस ने मस्जिदों में इस बाबत जानकारी भी की कि उनके यहां कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं रुका है। सोमवार की सुबह ही थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर निकल पड़े। सरकार द्वारा कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन देश भर में किया गया है, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। वहीं देश भर में सभी धर्म स्थल बंद किए गए हैं, जिनको लेकर प्रशासन सख्त है। वहीं इसी क्रम में जनपद भर में ईद के त्योहार को लेकर भी पुलिस सख्त नजर बनाई हुई है, जहां इसी क्रम में मेरठ के थाना बहसुमा प्रभारी शिवदत्त सिंह द्वारा सुबह से ही क्षेत्र की ईदगाह तथा मस्जिदों में भ्रमण किया गया। जरूरतमंदों को ईदी मिली तो उनके चेहरे खिल उठे। ईद की खुशियां गरीब और जरूरतमंद भी मना सके, इनके घरों में भी खीर और शीर बन जाए, इसके लिए समाज सेवियों ने शीर का सामान बांटा। इसके लिए समाज सेवियों ने आगे आकर गरीब लोगों की खुलकर मदद की। गरीब बच्चों व बुजुर्गों को समाज सेवी लोगों ने तोहफे बांटे। परिवारों को खीर और शीर का सामान उपलब्ध कराया गया। लोगों को नगद धनराशि देकर भी मदद की गई। इस मौके पर अमरपाल ग्रेवाल, अमन बूटर, सरदार सन्नी सिंह, कृष्ण कुमार, अंकुर चौधरी, सुरेश पाल, प्रवीण उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। मामला ये है, जैसे लॉकडाउन लगा है ना 2-2.5 महीने से, तो जो बेचारे लोग बाहर फंसे हुए हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो हमें ये महसूस हुआ कि कल इनकी ईद है, तो ईद के लिए इनको सामान की बहुत ज़रूरत है।
तो इसलिए हमने इनकी ईद के लिए हमने आज इनको दूध और जितना भी सामान ईद के उसमें काम आता है हमने वो सारा सामान आज इनको 250 से 300 परिवारों को आज हम अन्य विभिन्न गांवों में जा करके हम इस सामान को वितरण कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।